हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप विंडोज 10 को कैसे डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करके अपनी एक पेन ड्राइव में बूटेबल कैसे बना के रख सकते हो। ठीक है, आज इस वीडियो में हम कंप्लीटली बताएंगे कि आप एक पेन ड्राइव में दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे रखते हो विंडोज 10 के, जैसे 64 बिट हो गया, 32 बिट हो गया, दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही पेन ड्राइव में कैसे रख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसके लिए आपको विंडोज 7 जो 10 है उसकी ISO इमेज डाउनलोड करनी होगी। अब डाउनलोड कैसे करनी है, उसके लिए आपको चले जाना है क्रोम ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, तो क्रोम ब्राउजर पे चलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको क्लिक करना होगा, क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। ठीक है, क्रोम ब्राउजर ओपन हमने यहाँ पे कर चुके हैं, वहां पे आपको लिखना होगा विंडोज 10 डाउनलोड। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना विंडोज 10 डाउनलोड। ठीक है, वो लिखने के बाद सिंपली सबसे फर्स्ट पे ही अपने माइक्रोसॉफ्ट जो ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट की है वेबसाइट आएगी, उस पर आपको चले जाना है। यहाँ पे डाउनलोड विंडोज 10 डिस्क इमेज आ रही है, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। ये वेबसाइट थोड़ी स्लो है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा धीरे खुल रही है तो ये स्लो है वेबसाइट। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेनी है कि भाई आपका सिस्टम स्लो है, ये वेबसाइट ही थोड़ा स्लो चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों वेबसाइट हमारी ओपन हो चुकी है। इसके बाद आपको करना क्या होगा, अगर आप सिस्टम में अपग्रेड करना चाहते हो तो यहाँ से सिंपली अपग्रेड का ऑप्शन है, लेकिन आपको विंडोज जो 10 है उसकी ISO इमेज डाउनलोड करनी है, तो उसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा इसका एक जो विंडोज 10 का ही मीडिया टूल। ठीक है, उसको यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड टूल नाउ का ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो ऊपर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे जाके देखते हैं, हाँ हमारा डाउनलोड हुआ है। डाउनलोड में जाके और यहाँ पे अपना जो टूल मीडिया है वो डाउनलोड हो चुका है। सिंपली हमें करना क्या होगा, इसको हमें रन करना है। ठीक है, डबल क्लिक करके इसको रन कर देंगे। क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देंगे और ये हमारा ये टूल है, ये हमारा ओपन हो जाएगा। थोड़ा टाइम ले सकता है, तो इस चीज से आपको टेंशन नहीं लेनी। हो सकता है आपके सिस्टम में थोड़ा ज्यादा टाइम ले, मेरे सिस्टम के अंदर थोड़ा कम टाइम लिया है, तो इस चीज से आपको ज्यादा रिलेट नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस आ जाएगा, तो इसको ओपन होने देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे इसकी जो एप्लीकेशन है इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना होगा यहाँ से, और एक्सेप्ट करने के बाद जो आपका सिस्टम है आपका लोड होने लग जाएगा वापस से। ठीक है, इसको कंप्लीट लोड होने देते हैं। तो दोस्तों कुछ देर बाद आपका कुछ इस प्रकार से आपका जो सिस्टम है वो लोड हो जाएगा। उसके बाद आपको करना होगा क्रिएट ए इंस्टॉल मीडिया। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से नेक्स्ट कर देना होगा। नेक्स्ट करने के बाद यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ पे इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहीं से जो अपनी पेन ड्राइव है उसका मल्टीपल बूटेबल का सिस्टम यहाँ से ही स्टार्ट होता है, कि मल्टीपल बूट जो अपना OS है उसको हम इंस्टॉल करें या फिर उसको डाउनलोड करें। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या होगा, इसके अनटिक कर देना यहाँ से, और इसको अनटिक करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिख रखा है उस पर जाके आपको करना होगा, यहाँ पे कर देना है, जो यहाँ पे बोथ लिख रखा है उसको आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे कि आपकी पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव बनाना है या फिर आप जो इसका ISO इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसकी ISO इमेज डाउनलोड कर ले, जिससे फायदा ये होगा कि भविष्य में आपको दोबारा ISO इमेज बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो इसी से आप डाउनलोड हुई है इसी से आप बना सकते हो। ठीक है, तो सिंपली ISO फाइल पे क्लिक के यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमारा डाउनलोड पाथ पूछेगा, भाई कहाँ पे इसको डाउनलोड करना है, और यहाँ पे आप पर आप इसका नाम देना चाहे तो दे सकते हो। मैं यहाँ पे विंडोज 10 32x64 बिट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया, अगर आप और कोई नाम देना चाहो तो दे सकते हो। इसके बाद आपको कर देना होगा यहाँ से सेव। सेव करने के बाद जो आपका ये जो डाउनलोड का प्रोसेस है वो कम्प्लीटली स्टार्ट हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं करना, सारा काम है जो ऑटोमेटिक होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आएगा, उसको आपको फिनिश कर देना है। तो इस प्रकार से आपकी जो ISO इमेज है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो अब हम जानते हैं कि हमारे डाउनलोड ISO इमेज को बूटेबल पेन ड्राइव में कैसे रन कराते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अपनी जो विंडोज 10 की है वो जो हमने डाउनलोड किया था 32 बिट और 64 बिट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है या ISO इमेज है वो अपनी डाउनलोड हो चुकी है। तो अब हम जानते हैं इसको पेन ड्राइव में कैसे बूट कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ से प्रोसेस होगा कि भाई पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाते हैं। तो सिंपली यहाँ से आपको करना क्या होगा कि आपको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, उसको क्रोम ब्राउजर से आपको डाउनलोड कर लेना होगा, जिसका नाम है रूफस। ठीक है, क्रोम ब्राउजर पे चलते हैं और न्यू टैब ओपन करते हैं, और यहाँ पे अपने को लिखना होगा रूफस, RUFUS। ठीक है, रूफस डाउनलोड आपको लिख देना होगा। उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट आएगी, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल अप करके यहाँ पे डाउनलोड के सेक्शन पे चले जाना है। यहाँ पे अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे विंडोज 10 का 32 बिट हो गया,
या फिर आपका 64 बिट है, जो भी आपका सिस्टम है उसी पे क्लिक करके आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल करने के बाद जो हमारा जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अपना डाउनलोड हो चुका है, सिंपली इसको ओके करके इसको रन कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से आपका जो सिस्टम है वो इस रन हो जाएगा, जो रूफुस का है वो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान देना होगा, जो कि है कि यहाँ पे आपको पेन ड्राइव है वो आपकी 8 GB से ऊपर की होनी चाहिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 16 GB की पेन ड्राइव यूज करें, ठीक है, क्योंकि ज्यादा स्पेस भी नहीं लेगी और भाई ज्यादा स्पेस इसमें खाली भी नहीं रहेगा। ठीक है, 16 GB इनफ है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। उसके बाद जो आपका यहाँ पे डिवाइस है इसमें आपकी पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लेनी है, और इसके बाद यहाँ पे बूट सेलेक्ट का ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या सेलेक्ट करना, आपकी बूटेबल जो आपने विंडोज है, जो विंडोज 10 की ISO इमेज आपने डाउनलोड की है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी, जैसे कि डबल क्लिक करके हमने सेलेक्ट कर ली है। ठीक है, अब इसके बाद आपको यहाँ पे चले जाना होगा जहाँ पे GPT लिख रखा है, तो यहाँ पे आपको GPT MBR, ठीक है, आपको करना क्या है, अगर आपका ओल्ड PC है, पुराना PC है तो आपको MBR कर देना, या फिर आपका नया PC है तो आपको GPT कर देना, नया या ठीक ठाक सा सिस्टम है तो GPT करना है। इसके रिकॉर्डिंग मैंने एक और वीडियो बना रखी है, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ भी कर देना है, MBR और GPT कुछ भी, ठीक है, जो आपके सिस्टम में सपोर्ट करे। ठीक है, मैं यहाँ पे GPT कर रहा हूँ। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे वॉल्यूम में जो है इसको आप चेंज करना चाहो नाम पेन ड्राइव का, जो आप यहाँ से कर सकते हो W। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने विंडोज 10 नाम दे चुका हूँ, और मेरी पेन ड्राइव में जो डेटा था वो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। अगर आपका कोई भी जरूरी डेटा है तो आपसे रिक्वेस्ट है वो आपको निकाल लेना है, नहीं तो आपकी जो पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से स्टार्ट पे क्लिक करना होगा। तो स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपकी वार्निंग आएगी, तो आपको रीड कर लेना है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ ये बोल रहा है कि आपकी पेन ड्राइव में कोई इंपॉर्टेंट डेटा है तो वो निकाल लीजिए, वरना ये पेन ड्राइव है वो फॉर्मेट कर दी जाएगी। ठीक है, तो मेरा कोई डेटा नहीं है तो इसको ओके कर देंगे। इस तरीके से ये मेरी पेन ड्राइव एक बार फॉर्मेट होके और बूटेबल पेन ड्राइव बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा चलने वाला है, तो इसलिए मैं आपसे यह कहूंगा कि भाई सिस्टम को आपको फ्री छोड़ देना है, आपको कोई काम नहीं करना है। थोड़ी देर बाद जो आपकी विंडोज है, जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो बन के रेडी हो जाएगी, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना हो। तो हम आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना होगा, सिंपली यहाँ पे रेडी लिख के आ जाएगा। रेडी लिखने के बाद आपकी जो बूटेबल पेन ड्राइव है वो बन के रेडी हो जाएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।